हम सब अपनी आंखों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे, क्योंकि खुदावंद का फरमान है कि जहां मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं मौजूद हूं। तो यकीनन हमारा ईमान है कि हमारा खुदावंद हमारे दरमियान में मौजूद है और इस जगह पर है। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज़िल आसमानी बाप, खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस लम्हा के लिए, इस पल के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी, कि ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। और खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि जितना वक्त हमने तेरी हजूरी में गुजारा, और खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने सांसें बख्शी और पूरी रात तूने निगाहबानी हिफाजत की और खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस फैमिली के लिए जिनके साथ हमने टाइम गुजारा या सुना सी, इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए हम फिर से इनसे मिले और तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद हमें खुदावंद संभाले रखना, ताकि हम तेरी शुक्रगुजारियाँ करते चले जाएं। खुदावंद मैं शुक्र करती हूँ पूरे ख़ानदान के लिए, पूरे पंडाल के लिए खुदावंद, जिन्हें तूने सलामत रखा, जो दुनिया में नहीं है खुदावंद, जो हमसे जुदा हो गए हैं खुदावंद, तो मैं तेरा शुक्र करती हूँ। जिनको तूने ज़िंदगी दी ली उनके लिए भी तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, कि तूने हमें ज़िंदा रखा, हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदावंद इस फैमिली के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, भाइयों के लिए, इनकी बीवियों को और इनके बच्चों को संभाले रखना। खुदा हम फिर से मिले तो खुदा हम इसी तरह सलामती से पाएँ। तेरा शुक्र करती जैसे हम सलामती से आए थे वैसे ही सलामती से जाएं। तेरा शुक्र करती हूँ, ये सब कुछ मांग लेती और पा लेती तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ए हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवा को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना डाल, बल्कि बराए सब चाह, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन।